नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। बात करेंगे योग की, क्योंकि योग की चर्चा पूरी दुनिया में है। योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया पूरे भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में बहुत दिलचस्प वाकयात हुए हैं और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको कहानियां सुनने में दिलचस्पी है, आपको पसंद है मनोरंजन की कहानियां, रहस्यमय कहानियां, इतिहास की कहानियां, तो फिर आप डाउनलोड करिए कुकू FM। और कुकू FM जो आप डाउनलोड करेंगे वो है आपके पूरे घर के फैमिली मेंबर्स के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। वहां कहानियां मौजूद है, हजारों कहानियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये भारत तक का कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है विशेष डिस्काउंट। और जो ऐप है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आते हैं, बात करते हैं योग दिवस की, कि उस पर पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है। दरअसल योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में जहां से अलग अलग तस्वीरें आई योग करने की, वहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ अनोखा हो गया। दरअसल पाकिस्तानी सरकार की तरफ से योग दिवस का एक पोस्टर जारी किया गया और बताया गया कि भाई साहब योग करने के बड़े फायदे हैं। इसके बाद पाकिस्तानियों का खून खौल पड़ा और वो बिफर गए और वो इसे पूर्णतः इंडिया से लिंक करने लगे। यानी कि इंडिया का जो इंपैक्ट है वो कहीं भी पाकिस्तानियों के दिमाग से उतर नहीं रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने ट्वीट कर कहा कि योग से संतुष्टि तो मिलती ही है, साथ में शरीर भी दुरुस्त रहता है। फिटनेस की इस दुनिया में ये दोनों ही बहुत जरूरी है। योग जल्दी ही आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बदल सकता है। योग के जरिए लंबे समय तक आपका मस्तिष्क और शरीर काम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह ट्वीट करना पाकिस्तानी सरकार को भारी पड़ गया, क्योंकि इसकी आलोचना उनके अपने लोग ही करने लगे। पाकिस्तानियों ने आर्थिक संकट से गुजर रहे अपने मुल्क को दुहाई देनी शुरू कर दी। एक शख्स आदिल नाम के पाकिस्तानी युवक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर। वहीं प्रोफेसर इमरान अलबस लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये भारतीय शैली का मेडिटेशन है। सरकार को इस दिन को नहीं मनाना चाहिए। मुस्लिम होने के नाते हम अपने तरीके से मेडिटेट करते हैं। कृपया कर इस पोस्ट को हटा दें। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर ये किसी तरह का पेड प्रमोशन है, पूरी तरह से बेहुदा। पाकिस्तान में योग दिवस को लेकर सरकार के संदेश देने पर लोगों ने आपत्तियां जताई। तो वहीं मालदीव से भी खबर है कि वहां स्टेडियम में योग कर रहे लोगों को भीड़ ने खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत का धूम रहता है, क्योंकि भारत का प्रस्ताव था जिस पर 150 से अधिक देशों ने अपनी मंजूरी दे दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको स्वीकार किया, उसकी सरकार ने, और फिर उसके लोग ही अपने उस पर चढ़ पड़े और उस तरीके से आलोचना करने लगे, ये वाकई में दिखाता है कि योग का क्रेज बढ़ रहा है। और सरकारी स्तर पर कम से कम इसे स्वीकार अब पाकिस्तान में भी कर लिया गया है।